YFM न्यूज। आज आपको एक बहुत ही ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जिनका नाम है, जिनको हम लोग अलवी साहब पुकारते हैं। आप आज आपको बताएंगे कि मजार और मस्जिद की उपासना, उनकी आराधना या उनको इबादत जो हम बोलते हैं उनका, उसको हम कैसे करना चाहिए और क्या फ़र्क है, मजार में क्या फ़र्क है, मस्जिद में क्या है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मजार में क्यों नहीं पढ़ते हैं, अब मजार में क्यों, ये सब तमाम बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग के जहन में हमेशा कौंधता है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिलता। संजोग से आज अलवी साहब ने हम लोगों को समय दिया है इस विषय में बताने के लिए। अलवी साहब असल में मजार जो है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़े, जिन्होंने दीन के लिए और दुनिया की भलाई के लिए कुर्बानियां दी यानी त्याग किया, वो है, वो इबादत इबादत की जगह नहीं है बल्कि उनकी ज़ियारत की जगह है। उनसे इबरत इबरत यानी कि एक कहते ना उनसे कुछ हासिल करने की जगह है, कि मतलब उन्होंने क्या किया मानवता की भलाई के लिए, उन्होंने किस तरह से अपने को कुर्बान कर दिया, ये सब सीखने के लिए मजार पे जाना चाहिए। मजार पे किसी तरह की कोई दुआ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ हम तो उनके लिए क्या, वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उनके तौर तरीके पर चलना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, वही हमें करना है। रहा मस्जिद का सवाल, मस्जिद इबादत की जगह है और दरगाह बुजुर्गों की ज़ियारत की जगह है। जहाँ बुजुर्गों की ज़ियारत होती है वहाँ पर इबादत नहीं हो सकती, क्योंकि फिर इबादत उस बुजुर्ग के लिए हो जाएगी और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। इबादत का मर्तबा सिर्फ अल्लाह का है, क्योंकि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो अगर वहां जाकर हम इबादत करने लगे दरगाह पर, तो ये शिर्क में शामिल होते, शिर्क माने नास्तिक कहलाते हैं, नास्तिकता हो जाती है। वहां जाकर उन बुजुर्गों के लिए हम दुआ करें और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह जैसे यानी अल्लाह ईश्वर जो भी कोई है, जैसे इन्होंने आप दुनिया के लिए, दुनिया की मानवता की भलाई के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो सहनशीलता इनके अंदर पैदा की, वो हमारे अंदर भी पैदा कर, हमें भी इन जैसा बना जी। ये होना चाहिए। लेकिन आजकल का आदमी जाता है दरगाह पर, दुनिया भर की बातें करता है, माथा टेकता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन मकसद नहीं समझता कि दरगाह क्यों बनाई गई, दरगाह क्यों है, इन्होंने क्या किया, इनके पीछे मकसद क्या है। जैसे मान लीजिए आपके बारे में बताएं कि जो महरौली वाले जो पीर हैं काका रहम जी जी, तो उन्हें इनकी माँ ने उनके अंदर बचपन से ही ऐसे गुण डाले जिससे वो आगे चल के मानवता की भलाई के लिए इतना बड़ा काम करा कि आज दुनिया उनको वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं जी। किसी बुजुर्ग की दर्शन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसको पूजना ये बुरी बात है जी, क्योंकि दरगाह कभी पूजने की बात, पूजने की जगह ही नहीं है, पूजने की जगह तो मस्जिद है जी। तो वहां जाकर किसी तरह का भी सजदा करना, चूमना, ये इंसानियत के भी खिलाफ है। आप वैसे आमतौर पे देखो लोग अपनी समाधियों पे जाते हैं बुजुर्गों की, या देखो अपने कब्रों पे जाते हैं तो बाप की कब्र को तो चूमते नहीं, हाथ क्यों नहीं चूमते भाई, किसी को नहीं देखोगे चूमते हुए, बस जाके दुआ दुआ फरीद फातिया पढ़ी अपने चला है घर पे। तो जस्ट उसी तरह से जब एक बाप की कब्र को आप नहीं चूम सकते, तो एक दरगाह की दरगाह जो बुजुर्ग हमारे उनकी कब्र को भी चूमना मना है जी। भाई वो हमारे बुजुर्ग हैं तो वो हमारे बाप थे जी, मर्तबा दोनों का लगभग बराबर ही है जी। हम एक को तो एक के तो पैर पड़ते हैं और एक को हम बस दूर से सलाम करके चले आते हैं जी। इसका मतलब इससे ये पता पड़ा कि हमें जो है ना कब्र यानी दरगाह पर किसी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन लोग जो चुन्नी चलाते हैं, माला फूल चलाते हैं, और बहुत सारे बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए बाबा से मांगना शुरू कर देते हैं, धन दौलत मांगना शुरू कर देते हैं, मतलब एक प्रकार से देखा जा रहा है कि जो दरगाह है वो एक ऐसा भीड़ इकट्ठा करता है, वो सिर्फ ये कि तुम यहाँ पर आओ तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। मन्नत पूरी होने का मतलब क्या है कि हम उनसे कुछ मांगें।
देखो दुनिया के अंदर अपवाद है, एक्सेप्शन इसको कहते हैं जी। जो दरगाह पे बैठा हुआ है मौलाना, उसको भी उतनी ज्ञान है जो मस्जिद में बैठा हुआ है जी। ज्ञान दोनों बराबर है जी, लेकिन यहाँ पे फर्क आ जाता है ग्रेडी यानी लालच का जी। जो मस्जिद में बैठा है उसको पता है कि मुझे तनख्वाह मिलनी है महीने की और मुझे वो काम करना है, इसलिए उसे पता है कि मैं झूठ बोल के करूँगा क्या, मैं झूठ बोलूंगा तब भी तनख्वाह मुझे उतनी मिलनी है, सच बोलूंगा तब भी तनख्वाह मिलनी है, तो वो सच बोलता है, सच बताता है जी। लेकिन जो दरगाह में बैठा है अगर वो कहता है मैंने सच बता दिया कभी दरगाह पे आना मना है, दरगाह को चूमना मना है, तो मेरी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, इसलिए वो इस तरह के घुमा फिर के बात को करता है। अभी आप दरगाह पे जाओ तो उसी वो वहाँ का जो मौलाना बैठा है वो कहेगा जी ये कोई सजदा करना थोड़ा, ये तो बोसा लेना हो गया, बात को घुमा दिया जी। वो कहेगा बोसा लेना हो गया जी, अपने बाप के कब्र का बोसा भी नहीं लेता जाकर जी, लेना जाकर हाँ तो बोसा लेता नहीं, तो यहाँ बोसा दिलवारा दुनिया को, तो फर्क है ना दोनों बातों में जी। वहाँ उसकी आमदनी का जरिया है इसलिए वो ये बात कर रहा है, जानकारी उसे भी है कि ये गलत है जी। लेकिन क्योंकि वहां से झंडी आती नजर आ रही है हरी हरी, तो वो उसमें वो उसको भूल जाता है और उसी बात को दूसरे तरीके से पेश करता है जी। पेश करने का तरीका अलग कर दिया जी। मस्जिद का इमाम कहता है कि भी आप वो ये नहीं कहता दरगाह पे मत जाओ जी, वो कहता है आप दरगाह पे जाकर किसी तरह के चुमने या चादर मत चढ़ाओ जी, दरगाह पे जाने के लिए नहीं करता। वहीं दरगाह पे बैठा है एक मौलाना, वो कहता है दरगाह पे आओ चादर चढ़ाओ जी, क्योंकि अगर आप चादर नहीं चढ़ाओगे तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, आप तो दुआ थोड़ी पढ़ के चले आओगे उसको पैसे क्यों दोगे जी, आप अपनी पूजा खुद करो तो पंडित को पैसा देने की जरूरत क्या है जी। अगर आपको वो मंत्र जो पंडित पढ़ता है वो सारे मंत्र अगर आपको आते हैं फिर पंडित की जरूरत क्या है जी, पंडित आपकी उस अज्ञानता का ही फायदा उठाता है। क्या बात है, उस अज्ञानता का फायदा उठाता है कि मंत्र पढ़कर उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें जोड़ देता है जिससे आदमी सोचता है भाई पंडित तो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञानी आप ज्ञान आपके अंदर भी इतना है, बस आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है, किसी भी चीज को पहुंचने की जरूरत है आपको। सपोज करो भाई अगर इसी तरह से दुनिया के मान लीजिए आप कोर्ट में हो जी, आपको कोई एजुकेशन लग गया जी, अगर आप लिख के अपना केस लड़ सकते हो और आपको नॉलेज है तो वकील करने की जरूरत ही नहीं जी। इसी तरह से अगर आप पूजा अर्चना आप कर सकते हो तो पंडित करने की जरूरत क्या है। क्या बात जी। लेकिन लोग यहाँ भी अब लोगों का नजरिया सुनिए, लोग भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो है जो मस्जिद में बैठे इमाम की बात मान लेते हैं जी। एक वो है जो मस्जिद में बैठे इमाम साहब की बात नहीं मानते, वो दरगाह वाले की बात मानते हैं क्योंकि उसमें शान समझते हैं अपना, क्योंकि वहां जाकर दुनिया के सामने दान दक्षिणा हो रही है ना जी, वहां दुनिया के सामने चादर चढ़ाई जाती है, फोटो खिंचा ये हो रहा है भाई बहुत बड़े दान दे रहे हैं जी, चादर चढ़ा रहे हैं इतने लाख रुपए की चादर चढ़ा दी। अब उस चादर का पैसा अगर किसी गरीब को दे दिया जाए तो क्या इतना अच्छा हो, वो ज्यादा नाम अच्छा होगा, वो चादर कल को उसे उठा लेगा कौन, जो उस दरगाह पे बैठा हो पीर है जो भी बैठा है दरगाह पर जी, जो मौलाना बैठा है वो कल आज दस चादर चढ़ी दस की दस गायब, वो अपने यहाँ यूज करेगा उन्हें रीसेल करेगा। हाँ ये पता लगा कि सभी जगह रीसेल वाला जो सिस्टम हो गया है कि जो चीज चलाया जाती है फिर वो दुकान में चला जाता है फिर वो बिकता है, लेकिन एक प्रकार से ये तो धर्मों में माना गया सभी धर्मों में कि जो चीज चला दिया जाता है फिर वो दोबारा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो सत्य वो समझ नहीं अभी आपको कि वो रास्ते को उन्होंने घुमा दिया जी, वो रीसेल करते उसको, अगर ऐसा नहीं होगा चादर नहीं चढ़ेगी तो रीसेल का पैसा कहाँ से आएगा। अगर चादर चढ़ने वाला वहां मन्नतें करे दुआ करे और वापस चला जाए और जो चादर के पैसे उसने सोच रखे उस पैसे को किसी गरीब को दान कर दे किसी जरूरतमंद दे दे तो उसके चादर चढ़ाने से कहीं ज्यादा फायदा। अच्छा कुरान में किस तरह का कोई जिक्र है क्या, किस तरह का? ये जो आपने कहा है कि मजारों में जो फूल माला और ये चराए न चलाना चाहिए, कुरान में इसका जिक्र है? खासतौर से मान्यता है कि दरगाहों पर किसी तरह का फूल चादर नहीं चढ़ाना चाहिए जी। कहीं कहीं लोगों का अपवाद है कि भाई हजरत सलम किसी कब्र पे गए तो फूल चढ़ाए, असल में लिटिल नॉलेज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज जी, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कब्र पे कभी भी कोई फूल नहीं चढ़ाए जी। वो वाक्या किस तरह से है कैसा है उसके बारे में डीपली जाना पड़ेगा जी, वो बहुत बड़ी विषय है जी जी, वो अलग विषय है जी, लेकिन कभी उन्होंने नहीं चढ़ाया, ऐसा कभी नहीं किया और उन्होंने इस चीज के लिए मना किया कि आप ऐसा मत करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कब्रों पे मत जाओ दरगाह पे मत जाओ, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह से मत करो जैसे कि और करते हैं जी। क्या बताया उन्होंने, किनको कहा, जो उनके मानने वाले हैं
जी अपने मानने वालों से कहा कि ऐसा मत करो जैसा और करते हैं। और करते हैं मीन्स उनमें और अपने आप में फर्क है। फर्क बहुत बहुत धन्यवाद अली साहब कि जो आपने इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और हमें लगता है कि आपको देखने वाले तमाम लोगों को इस जानकारी से बहुत लाभ पहुंचेगा और वो इस आस्था को अपने प्यार और सद्भावना से आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।